जिम में ज्यादातर लोग फिट होने के लिए जाते हैं और कुछ बॉडी बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं जो कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जिम में खड़ी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए या उन्हें शो ऑफ करने के लिए इतना भारी वेट उठा लेते हैं कि उनके ओवर वेट की वजह से वो अपनी जिम में इंसल्ट करा लेते हैं कुछ इस तरह से। और गाइस कुछ ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी होते हैं जो कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस या फिर अपनी ताकत के गुरूर में डूबे रहते हैं और जब वो लोगों के सामने परफॉर्म करने जाते हैं तो उनके छक्के छूट जाते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंट लोगों की वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा जिन्हें देखने के बाद आप अपनी हंसी को कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। हम सभी लोग ऐसे प्लेयर्स को तो जानते ही हैं जो कि वेट लिफ्टिंग करते हैं, और वेट लिफ्टिंग करने में कितनी ज्यादा ताकत लगती है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या हो जब एक ओवर कॉन्फिडेंट प्लेयर वेट लिफ्टिंग करने आ जाए? ऐसा ही कुछ हुआ इंजन ऑफ के साथ, जो कि 3 राउंड पार करने के बाद खुद को इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझने लगे कि इन्हें लगा कि ये फाइनल राउंड तो अब यूं ही जीत जाएंगे। लेकिन जब बारी आती है फाइनल राउंड की, और उस राउंड में जब ये जनाब वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वेट ज्यादा होने की वजह से इनके मुंह से उल्टियां हो जाती हैं, जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख ही सकते हैं। जब भी आप कभी जिम जाते होंगे तो जिम में आपको कभी ना कभी एक ऐसा लड़का जरूर मिला होगा जो कि खुद को ये समझता है कि उसको जिम की सारी एक्सरसाइज के बारे में सब कुछ आता है, और ऐसे ही लोग जो दूसरों को सिखाते हैं अक्सर उन्हीं के साथ कांड हो जाता है। जैसे इसी बंदे को देख लीजिए जो कि घर बैठे लोगों को बेंच प्रेस करना सिखा रहा था, जो कि कुर्सियों को आगे पीछे लगाकर कुछ इस तरह से सेट कर लेता है और उसके ऊपर रॉड को रख के बेंच प्रेस करने लगता है। लेकिन ये भाई साहब दूसरों को सिखा रहे थे, बट भारी वेट होने की वजह से इन ओवर कॉन्फिडेंट जिम ट्रेनर से यही वेट नहीं उठाया जाता है। इसी तरह से जिम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नया नया जिम को ज्वाइन करते हैं और उन्हें कौन सी एक्सरसाइज को किस तरह से करना है ये भी नहीं पता होता है, और फिर वो अपनी तरह से कोई भी एक्सरसाइज करने लगते हैं। कुछ लोग वर्कआउट करने के लिए खुद को बहुत ही बड़ा टास्क दे देते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है वो आप खुद ही देख लीजिए। कुछ बॉडी बिल्डर्स इतनी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि उन्हें लगता है कि वो स्टेबल और अनस्टेबल दोनों ही वेट उठा सकते हैं। इसी के चलते वो वेट उठाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। अब जब ये बॉडी बिल्डर्स लड़कियों के एक वेट की तरह यूज करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही। जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ना सभी के लिए बहुत ही ज्यादा आसान काम लगता है, और इस पर दौड़ने के लिए लोग लाइन लगाकर भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये ट्रेडमिल एक अनजान व्यक्ति के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है वो आप इसी लड़के को देख के समझ लीजिए जो कि ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ने के लिए जाता है, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये लड़का ट्रेडमिल के ऊपर से गिर जाता है।
जिम में वेट लिफ्टिंग करना तो एक आम बात होती है, लेकिन यही आम बात तब बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब ओवर कॉन्फिडेंस में आके जिम में कोई बंदा अपनी हद से भी ज्यादा वेट उठाने लगे। ऐसी हाई वेट की वजह से जब लोग चेस्ट की एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं तो ये यूज कर रहे रॉड को अपनी जगह पर भी नहीं रख पाते हैं। कुछ लोग फन के चलते जिम में इतना बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं कि उस खतरे से उनकी जान भी जा सकती है। जैसे ऐसे बंदे को देख लीजिए जो कि जिम में पड़े टायर को कुछ इस तरह से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यही टायर पलट के इसके पीछे ही आ जाता है, जिसमें इस बंदे का हाथ फंसा रह जाता है। अगर जरा सी भी इस बंदे से चूक हो जाती तो इसे अपने हाथ से ही हाथ धोना पड़ता। अब गाइस इसी बंदे को देख लीजिए जो कि वेट लिफ्टिंग करने के लिए इस वेट को ऊपर उठाता है, लेकिन जैसे ही ये वेट को ऊपर उठाता है वैसे ही इस व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये इस रॉड को अपनी पीछे की तरफ छोड़ देता है जो कि इसके पीछे लगे कांच में जा टकराती है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा कांच टूट जाता है। वैसे गाइस अगर आप भी जिम जाते हैं तो क्या आपके साथ या आपके फ्रेंड के साथ कभी ऐसा फनी मोमेंट हुआ है? अगर हुआ है तो भाई मुझे भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।